24 कैरेट का 24 कैरेट का सोना है, सही है। ये 21 कैरेट का, ये 21 कैरेट का, और ये है 22 कैरेट का, ये 22 कैरेट का। चांदी कर लूं और पानी मिलाऊं तो इतना भारी नहीं होगा, अब ये कह रहे हल्का हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात बताइए, आदमी जब होता ना खुशहाल तो जेवर बनवाएगा, जब वो बेचने आएगा ना, या तो किसी माँ अस्पताल में होगी या कहीं किसी जगह होगी, तो वो हमें हाय नहीं लेनी किसी की। अच्छा भाई, मेरे हाथ में जो ये चेन नज़र आ रही है, ये गोल्ड है और सोने की चेन है, मगर इसमें कितना कैरेट है, कितना असल है, कितना नकली है, ये मुझे नहीं पता। और आप में से अक्सरियत को भी ये चीज़ मालूम नहीं पड़ती है, तो हम में से अक्सरियत धोखा खाती है और लुट जाती है और महंगे दाम खरीद लेती है, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ी मालूम मिल सके। तो हम हैदराबाद के सराफा बाज़ार में मौजूद हैं, और ये आप सर अपना नाम बताइएगा, तारुफ करवाइएगा। मुमताज़ साहब हैं, और ये गुज़िश्ता कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तो बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से ये काम कर रहे हैं। सर ये बताएं कि एक मेरे हाथ में ये चेन है, एक आम आदमी मुझ जैसा इसको किस तरीके से पहचान कर सकता हूँ? मुझे बताएं मैं पहचान किस तरह से करूँ इसकी, ये सोना है? मतलब पूरी पहचान नहीं कर सकता, लेकिन चंद टिप्स आप बता दें एक आम आदमी के लिए। ये सोना 24 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना है, सही है। 21 कैरेट का, ये 21 कैरेट का, और ये है 22 कैरेट का, ये 22 कैरेट का, और ये चेन जो है ये भी 22 की है, ये भी 22 कैरेट की है, सही। ये तो आपको पहचान हो जाती है, ठीक है। एक आम आदमी चेन खरीद रहा है, उसको किस तरह से पहचान होगी? आम आदमी को चाहिए कि जिससे दुकानदार से खरीद रहा है उससे बाकायदा गारंटी कार्ड ले, और गारंटी ले इसकी कि भाई सोना जो है ये 2 नंबर होगा तो मैं आपको आपसे आपके ऊपर क्लेम करूँगा, ठीक है। मगर ये है कि वो क्लेम करते नहीं बेचारे, वो परेशान होकर भाग जाते हैं। वो बेचारे वो तंग करते हैं, वो इसमें ये सब गारंटी कार्ड हमारे यहाँ कराची हैदराबाद में सब दे रहे हैं अंकल, लेकिन एक हाथ हो ना कि थोड़ा सा पहचान हो जाए कि मुझे एक आम बंदे को क्या चीज़ रखनी चाहिए खरीदते वक्त, क्या एहतियात करनी चाहिए? एक मशीन होती है, वो ये टेस्ट करने वाली मशीन होती है, जिसके बाद टेस्ट करने वाली मशीन होगी उससे आप सामान बाकायदा उसको कांटे के ऊपर रख के बोले भाई 22 का तो मशीन जो बताएगी हम उसके मुताबिक पैसे देंगे। अब मशीनें तो रखते नहीं हमारे यहाँ, नहीं बोले रखनी चाहिए, इन पर पाबंदी होनी चाहिए, मशीनें रखनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं पाबंदी होनी। लेकिन आप कैसे पहचान करोगे मैं आपके पास ये लेकर आया, ये आपको कैसे पता चलेगा ये 24 कैरेट का ये असली सोना है? ये जो ना हम इसके वजन से बता देंगे इसका सोना ये 24 कैरेट का, सही। देखो इसके और इसके वजन में कितना फर्क है, सही, खुद चेक करो। हाँ वजन में फर्क है, ठीक है। हाँ वाकई वजन में फर्क है। और कुछ चमक वमक भी होती है, चमक से किस तरह पहचानते हैं आपके सोना ये असली है ये आर्टिफिशियल है कलर हुए हुआ? वो तो वैसे ही पता पड़ जाता है। वो आप कैसे पता पता था थोड़ा सा बताएं सर। अभी जैसे कोई हल्की हमें चीज का जैसे ये होगा ना, जैसे ये भारी है, हाँ, तो हमें इतना बड़ा रवा हमें नजर आएगा ना कि ये हल्का है तो हम कहेंगे इसमें 2 नंबर है, सही है। ये आप जो ना लेना मत इसलिए कि सोने का वजन होता है भारी, सही, थोड़ा ठोस होता है, वो ठोस होता है, सही है। अगर सबसे भारी जो चीज होती है वो था पारा, पारा पारा के बाद होता है शीशा, ठीक है। शीशा के बाद नंबर आता है इसका ये तेजाबी सोने का, सही, तेजाबी सोने का। ये मतलब ये, अगर मैं इसमें चांदी कर लूं और पानी मिलाऊं तो इतना भारी नहीं होगा, आप ये कह रहे हो हल्का हो जाएगा? अच्छा ये बड़ी अच्छी बात बताई अंकल ने। देखो यही इतना ही वजन, इतना ही मोटा, इतना ही गेज, हर चीज होगी ना, चांदी होगी तो हल्की होगी, वजन तकरीबन मैंने कहा था आज वाद का फर्क होगा। और तांबे का भी यही हो जाएगा? तांबे का भी यही है, हर चीज का यही है। सोना सबसे वजनी होगा, ये सोने की एक पहचान ये होगी। और चमक वमक किस तरह से पहचानते हैं आपके चमक है किस तरह से? ये चमक जैसे मिसाल के तौर पर इसमें चमक किस तरह से पता चलेगी कि सोना है? ये सोना है ना, अभी जैसे ये है चमक, इसमें जो चमक आई हुई है ना सारी, ये आती है मशीन से, एक टूल होता है, सही है, एक होता है वो स्विच का टूल होता है, उसकी तकरीबन 6 महीने की, वो तकरीबन 1 साल तक इसकी चमक रहती है, सही। और जो इंडियन टूल होता है ना वो उसकी ज्यादा 1-2 महीने में इसकी चमक खत्म हो जाएगी। तो एक अब हमारे यहाँ तो अच्छी बात है ना, वो उसमें पॉलिश भी कर देते हैं, इस तरह की पॉलिश भी आ गई ना अब तो। अब मैं पॉलिश कर दूं, मुझे थोड़ा सा पहचान किस तरह से कर सकता हूँ ये चमक के लिहाज से? चमक तो रहा है लेकिन सोना किस तरह से, ये वही वजन से पता चलेगा उसी चीज़ का भी? वजन आपका। अच्छा मेन चीज़ आपने वजन का ख्याल रखना है, वजन का ख्याल रखना, अगर वजन है सही तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती और अच्छे अच्छे यानी कि मयारी आदमी से सोना लिया जाए, हाँ सबसे अच्छी बात, सही बात है। मयारी आदमी से और आड़ा टेढ़ा किसी से लिए नहीं जाए, इसलिए आप जो है पाकिस्तान को बनाना है ना तो आप अपनी ईमानदारी दिखाओ भाई, ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। ईमान वाले बन के दिखाओ, हमने जिसका कलमा पढ़ाया ना उस कलमे की हमने लाज नहीं रखी, बेईमानी में तुल जाए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं गुज़िश्ता कई महीनों से ना ये वीडियो बनाने का सोच रहा था, और मैंने मुतअद्दिद बार जो सुनार हैं ये सराफा मार्केट वालों से रब्ता करने की कोशिश की, उनमें से किसी ने ये बताने की हिम्मत नहीं की
बल्कि उन्होंने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई, एक तरीके से मैं कह दूं कि हाँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं आने की आपको, हम नहीं बता सकते, हमारे पास टाइम नहीं, फला उन्हें जितने एक्सक्यूज बन सकते हैं, मगर मुमताज़ साहब ने हमें वक्त दिया और हर चीज़ बताई, क्योंकि ईमानदार आदमी ना, और ईमानदार आदमी को किसी का खौफ नहीं होता, और ये बताते हैं कि ला के लोगों की मदद हो सके। कितने लोग लूट जाते हैं कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में सोना खरीदते वक्त, आपके पास कैसे सबूत आते होंगे कि उसने मुझे गलत सोना दे दिया? मैं, मेरे को जरा सा शक हो जाता था कि ये इस काम में बेईमानी में काम ही छोड़ देता हूँ। ये हमारे वाली साहब का कहना है कि जब आदमी जब होता ना खुशहाल तो जेवर बनवाएगा, जब जब वो बेचने आएगा ना, या तो किसी माँ अस्पताल में होगी या कहीं किसी जगह होगी, तो वो हमें हाय नहीं लेनी किसी की, हमें तो दुआ लेनी है उससे कि ये कि हमारे बाप दादा जो कहेंगे हमको ही काम करता है। तो बेईमानी कर रहा है ना, वो ईमान वाला नहीं है, वो चोर है, फ्रॉडी है, बेईमान है, कोई शक नहीं। बस अब ये अमूमन लेन देन ही बंद कर दो बस। अभी यहाँ पे मालूम है क्या, पाकिस्तान में चेने बन रही है, 16 रहती बता रहे 12 रहती। अच्छा, ये इंसानियत है। अभी 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 देखो सोना है, जैसे अभी मैंने चेन ली, मैंने चेन लगाऊंगा ना मैं अपने अपने काम के अंदर, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दूंगा। सही, आप मेरा हाथ का सोना होगा ना, मैं गारंटी दूंगा कि भाई मेरा हाथ का सोना है, आप ले जाओ, आँख बंद करके ले जाओ। ये क्या और कोई देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। सही बात है, अल्लाह तो देख रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो हम जो है ना अल्लाह पे यकीन होना चाहिए इंसान का। अच्छा, मिलावट करते किस तरह के लोगों को? मिलावट ऐसा होता है जैसे 22 कैरेट का है तो 8 अत्ती मिलावट, 7.5 अत्ती मिलावट करते हैं, 7.5 अत्ती। एक आम आदमी, मुझे नहीं पता ये क्या आप कह रहे हैं ना बात, एक आम आदमी के समझाएं, 12 कैरेट का सोना है, मशीन बताएगी। अच्छा, मशीन बताएगी, उसका रिफाइन बताएगी, जो हम टेस्ट कराएंगे तो उसको वो बताएगी कि हाँ ये इतने कैरेट का। अच्छा हाँ, ये कि मशीन बताएगी, हम जो है 12 डालते हैं और हमारा सोना जब गलत पकड़ रहा है ना, तो हम फिर सोच में पड़ जाते हैं यार ये हुआ क्या हमारे साथ, हमने गलत चीज़ लगा दी क्या। वो बाहर से चेन लाए ना, हम चेन और बोल वगैरह लाए, उसमें फ्रॉड कर रही है, सारे फ्रॉड कर रहे हैं। ये तेजावी सोना जो है ना, ये दो रत्ती मरू को चला रही है, दो रत्ती डेढ़ रत्ती दो रत्ती मरू को चला रहा है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर यहूदी आज दुनिया के ऊपर छाया क्यों, मीशत के ऊपर, सिर्फ ईमानदारी की वजह से। ईमानदारी की वजह से, देखिए ईमानदारी किसी की जो कहते हैं ना वो मोहताज तो नहीं है, जो ईमानदारी से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं सिर्फ इस बताने के लिए कि अगर आप कभी सोना खरीदते वक्त खरीदने के लिए जाएं तो जो मोहताज साहब ने बातें बताई उसको भरपूर ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। जो एक मुझे पहचान समझ में आई है कि सोना थोड़ा जो उसकी धात है वो थोड़ा वजनी होता है, ठोस होता है, तो हमेशा कभी सोने को हाथ में लेकर देखें कि कितना हल्का है, कितना महसूस है। लेकिन आप पूरी चीज़ों को नहीं देख सकते, मगर जितना आप अपने तौर पे मुतमईन हो सकते हैं होने की कोशिश कीजिएगा, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि हमारा ईमान का तो पता है। देखो अल्लाह तो देख रहा है सब कुछ, अल्लाह तो हर चीज़ को देख रहा है, मगर अल्लाह ने इंसान को भी अकल सलीम दिया, अकल शऊर दिया, काहे के लिए दिया, सिर्फ माल लूटने के लिए दिया। आप इस चीज़ को जो है ना सामने रखो कि मेरे को अल्लाह देख रहा, कोई देख रहा नहीं, अल्लाह देख रहा। आप इस चीज़ के ऊपर तवक्कल कर लो कि अल्लाह ताला जो है ना रब्बुल आलमीन ने इंसान को मालूम कैसे बनाया, उसने अशरफ की मखलूकत बनाया, कोई दूसरी उम्मत को तो नहीं बनाया उसने, अल्लाह के नबी की उम्मत को बनाया उसने, अशरफ की मखलूकत। जब मखलूकत जब उल्टे काम करती है ना तो हमारा दिन दुखता। सही बात है। चलो जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भरपूर ख्याल रखिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके, उन्हें अवेयरनेस हो सके। अल्लाह हाफिज़।